नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। अररिया जिले में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। संक्रमण से बचाव और टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के सभी प्रखंड में आम लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ आज से रवाना किया जा रहा है, जिसको समाहरणालय परिसर से DM ने आज झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। DM ने बताया कि जिले के 9 प्रखंडों के लिए इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को कोविड-19 से बचने और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में लगभग 1,10,000 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वे अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर टीका ज़रूर लगवाएँ, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने भी टीका का दोनों डोज ले लिया है। अररिया जिला में जो टीकाकरण का अभियान है, बहुत तेजी से हो रहा है। करीब आज तक 1,10,000 लोग टीका प्राप्त किए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 45 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी नागरिक हैं, वो अभी टीका प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निशुल्क दर पे। तो इसका जागरूकता फैलाने के लिए आज अररिया जिला में 9 प्रखंडों के लिए 9 प्रचार रथ रवाना किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें। मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये जो टीका है, ये 100% सेफ है, इसमें कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया है, हमने स्वयं 2 डोजेस प्राप्त की है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यथासंभव आप लोग जल्दी आएँ और अपना टीका प्राप्त करें। धन्यवाद।